अस्सलाम वालेकुम तमाम वो स्टूडेंट जो सर सैयद यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें सबसे पहले तो कामयाब करे। और दूसरी बात यह कि आपके बहुत से सवाल थे जो कि आपने वीडियो के बजाय आपने व्हाट्सएप पे कमेंट्स किए, याद रखें कि जो भी आपके क्वेश्चंस हों या सवाल हों उसे आप कोशिश करें कि वीडियोज़ के ऊपर कॉमेंट्स करें ताकि आइंदा के लिए तमाम स्टूडेंट्स वो जो मसाइल हैं उनको वो जान सकें और पढ़ सकें और सुन सकें। तो याद रखें कि आपके बहुत से जो सवालात थे उसमें से जो अहम पॉइंट्स थे वो आज की इस वीडियोस के अंदर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि पेपर ऑनलाइन घर से होगा, तो याद रखें कि कोविड से पहले 2019 तक अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर लिए और वो 2 आवर्स के होते थे। चूंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आपके जो पेपर मैथ्स के सॉल्व हुए हैं उसके अंदर 2 आवर्स का टाइम है, तो यकीनी तौर पे वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वो आपका कोविड से पहले यूनिवर्सिटी में जो पेपर्स लिए जाते थे वो 2 आवर्स के होते थे, लेकिन जब उन्होंने ऑनलाइन कोविड के बाद शुरू किया और कोविड अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक आपके पेपर घर से हो रहे ऑनलाइन। और याद रखें कि किसी लम्हे भी ये दोबारा हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि पॉलिसी किसी लम्हे भी चेंज हो सकती है, वो आपको किसी वक्त भी इन्फॉर्म हो सकता है कि वो कर दें, लेकिन फिलहाल वो ऑनलाइन ही ले रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो बहुत ही अच्छा था कि 60 मिनट्स का टाइम होता है और फर्ज करें हमारे पास लैपटॉप के ऊपर डाटा है तो हमें इसके अलावा भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो याद रखें कि अगर आपका केबल नेट आ रहा है और आपको 1-2 डाटा लेके अलग से मोबाइल में रखने पड़ेंगे ताकि किसी लम्हे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके जरिए अपना पेपर सॉल्व कर सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है नेट होगा तो आप पेपर दे सकेंगे। तो इसके बाद एक आपका तीसरा क्वेश्चन था, जो दूसरा क्वेश्चन था मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी रीज़न भी मैंने बता दी, उसका जो जवाब था वो भी बता दिया। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि 60 मिनट्स का जो पेपर होता है उसके अंदर अगर फर्स्ट करें कि लाइट चले जाए या सिस्टम हमारा लैपटॉप का ऑफ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या हुआ। याद रखें कि जब यूनिवर्सिटी आपका 60 मिनट का पेपर लेती है तो अगर आपने 32 मिनट्स के बाद अगर आपका फर्स्ट करने लैपटॉप ऑफ हो जाता है तो उसके बाद जब भी आप ओपन करेंगे तो वो वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो याद रखें कि अगर इस तरह की आपने एक्स्ट्रा टेंशन ली तो यकीनी तौर पर आपके पेपर की तैयारी इफेक्ट हो सकती है। तो आपको चाहिए कि इस तरह की टेंशन ना लें, अपनी तैयारी करें और बेहतर तरीके से अपना पेपर दें। मजीद सवाल भी थे जिसके अंदर आपने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे जिनका जवाब तकरीबन मैं इसी तरह से जो दे चुका हूँ वही आपके बेसिकली ज़्यादा सवाल थे। कुछ छोटे मोटे सवाल और भी थे, मजीद अगर आपका कोई इशू हो तो आप वीडियोज़ के ऊपर कॉमेंट करके जवाब ले सकते हैं। तो तैयारी करें, अच्छे नंबर्स लें और अल्लाह आपको कामयाब करे। तो इसी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो में इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सवालात होंगे उसका भी जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।